भाई साहब पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ से न्यू आई तक बिल्कुल। तो जय देव दरबार की। तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी पहुँच गए, बोंडी को पार कर गए हम करीब 5-7 किलोमीटर आगे। और भाई डीजे बहुत आगे जा चुका है, मैं बहुत पीछे हूँ क्योंकि उसके साथ में रहता हूँ ना, तो कॉपीराइट आता है। कल जो वीडियो डाली उसमें कॉपीराइट आ गया, फिर उसको हटाना पड़ा। तो अभी नाश्ता के लिए भेजा है मोटरसाइकिल लेके, हम तो पैदल चल रहे हैं तो हम तो रुक नहीं सकते, तो मोटरसाइकिल लेके, साथ में मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल वालों को भेजा भाई नाश्ता लिया है, मिठाई नमकीन। तो आगे मिठाई नमकीन भी नाश्ता दे देंगे। और वैसे तो मिलती रही है चाय वाय तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आगे उनके लिए नमकीन की और मिठाई की व्यवस्था की है। तो अभी वो नाश्ता लेके आएंगे, फिर नाश्ता देंगे। और आनंद बहुत आ रहा है भाई वीडियो, मतलब यात्रा में बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है एकदम से। डांस वांस सब चल रहे हैं लेकिन हमें तो आता नहीं है डांस, भाई क्या करें। तो भाई जी अभी हम बौड़ी पार हो चुके हैं और आप देख सकते हो पीछे यात्री है और बहुत ही मस्ती से जा रहे हैं एकदम से। और मौसम बहुत मस्त हो रहा है एकदम, सभी मस्ती से जा रहे, कोई परेशानी नहीं आ रही है। आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं डूंगरों पर, आप देख सकते हो। और सब यात्री नाचते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। और मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि आप जानते हो गाने चल रहे हैं तो गाने पर कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर हमारी कुछ इनकम नहीं हो पाती है इसलिए। बाकी आपको म्यूजिक के साथ अगर वीडियो देखना है तो आप हमारी फेसबुक पेज पर देख सकते हो, मनीषा राजेश 01 पर। और बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, ये बोली के पास में गाँव है रवासा, तो वहीं पर ये रुक रुक के चल रहे थे, मतलब डांस करते हुए बढ़िया, कहीं पर रोक दी फिर चल दिए, फिर रोक दी फिर चल दिए। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा डांस किया, ये हमारे गांव की महिलाएं थी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। और पूरे रास्ते नाचते हुए गए थे हम। अब आपको और दिखाता हूँ आगे। तो भाई नाश्ता आ चुकी है, तो अभी हम प्लेटों में नाश्ता जमा रहे हैं। और नाश्ता जमा के और सभी को नाश्ता दे के और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे क्योंकि आगे तक बहुत लंबा सफर है। ये बोली से खिरनी से और निवाई तक का सफ़र रहता है, तो ये बहुत बड़ा सफ़र रहता है हमारा। तो अभी सबसे पहले तो हम सबको नाश्ता देंगे और नाश्ता करके फिर यहाँ पर बढ़िया पानी की व्यवस्था, पानी पी के थोड़ी देर आराम, 2-5-10 मिनट आराम करके और फिर चलेंगे यहाँ से। तो फिर यहाँ से सीधा, मतलब बीच में रुकते जाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई लगातार चल ही दिए, लेकिन आज रात्रि स्टॉपेज निवाई में होगा हमारा। तो अभी सभी को नाश्ता दिया जा रहा है, नाश्ता कर ले सभी। मेरा भाई साहब नाश्ता लेके और अब रवाना हो चुकी है यात्रा, सब लोग चल दिए और अब हम भी चलने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि यात्रा बहुत दूर कटती है, लंबा सफ़र पड़ता है इससे बोड़ी से रिवाइज तक। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से, नाश्ता ले ली सबने और सब तैयार हो गए। इधर हमारी जीजी भी है लेकिन परेशान हो चुकी है जीजी भाई। तो ये जो दूसरे गांव की महिलाएं थी और ये डांस करने लगी थी, इनमें कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स भी थे, तो हमने सबका सम्मान किया भाई। ये नहीं कि हम नाचें और जैसे हमारा डीजे तो हमारे गांव के लोग नाचे, हमारे गांव की महिलाएं नाचे, हमने सबको नाचने दिया। मतलब जितने भी लोग थे, कोई नाचना चाहता था रोक रोक के सबको नचाया भाई, सबको आनंद लिया बिल्कुल और सबके साथ आनंद लिया बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी यात्रा थी और जो हमारे साथ भी मिल गए थे ये दूसरे गाँव के लोग भी, ये जोधपुरिया तक भी हमारे साथ गए थे आरपार ठेठ तक। तो नाचते नाचते चलते चलते भी नाचते रहे, मतलब रुके नहीं कहीं पर भी, अगर चल रही है झांकी तो फिर भी नाचते रहे ये लोग, मतलब इतना आनंद आ रहा था यात्रा में, बहुत ही गजब। लेकिन अब मेरा गला भी बैठा हुआ है तो वॉइस ओवर भी सही नहीं हो रही है मेरे से। तो भाई जी नोटा घाटी आ चुके, महाराज जी बैठे हुए इधर, स्वामी श्री कमानंद महाराज, और यहाँ पर खाना वाना खा लिया हमने, खाना खा लिया यहाँ पे, और अब यहीं पे आराम करेंगे, स्नान भी करेंगे। स्नान करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, आज भी फिर वही रूटीन रहेगा बारिश का। देख सकते हो आप मौसम हो रही है, अभी भी छींटे पड़ रहे हैं थोड़े 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 थोड़े,
लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे। यहाँ पर सामने बजरंग जी की समाधि है, उसमें विश्राम करेंगे, वो तो दिखाएंगे आपको वहाँ चल के। या आप देख सकते हो ये बजरंग जी की समाधि है यहाँ पर, नोटा की घाटी ही बोलते हैं इसको। ये महाराज जी की तस्वीर है और ऐसी कुछ बनी हुई है ऊपर भी है, तो बहुत ही अच्छी जगह, अच्छा स्थान है। आप कभी इधर से आए जाए तो यहाँ पर भंडारा रहता है 24 घंटे बिल्कुल खुला हुआ। आप आए कभी भी तो भोजन भी कर सकते हो यहाँ पर, आराम कर सकते हो। यहाँ पर गद्दे आपको मिल जाएंगे, वो फ्री है बिल्कुल सब कुछ, और भोजन मिलेगा प्रसादी के रूप में, और बढ़िया आराम से आप यहाँ रात गुजार सकते हो। और आ रही है बरसात, ये देखो भाई बरसात ने अब की बार खूब धूम मचा रखी है। स्नान कर लिया यहाँ पर, कपड़े तो चेंज किए नहीं क्योंकि बारिश आने वाली है दोबारा से, तो फिर भीजेंगे तो कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े वही रखे, बाकी स्नान कर लिया। और इधर बगीचा लगा हुआ है महाराज जी के यहाँ, तो बहुत अच्छी जगह है। अगर बरसात नहीं है तो बैठने के लिए, कई बार हमने यहीं पर विश्राम किया था, और बहुत अच्छा स्थान है। इधर ये महाराज जी की वो है समाधि, उधर स्वयं महाराज जी बैठते हैं रोड की पहली साइड में। और अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं, 2:30 बज गए, 2:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। आज का रात्रि विश्राम रहेगा निवाई में, लेकिन निवाई में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो पांडाल में वहीं पर जो प्रोग्राम होता है वहीं रुकना पड़ेगा, और वहाँ पर बिल्कुल सुविधा नहीं है, तो सब रात ऐसे ही गुजरेगी बिल्कुल बैठे बैठे। बारिश हो रहा है तो मतलब सिचुएशन बिल्कुल ख़राब होने वाली है आज की रात, और कल की रात फिर वहाँ देव जी के वहाँ बिल्कुल सोना नहीं होगा। और भाई ये हमारे सब्सक्राइबर्स थे, तो उन्होंने भी कहा कि वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज़ आप भी अगर बाकी सब देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और यात्रा कर दिए बिल्कुल शाम को वक्त है, और ये कभी तो लाइक का वो करिए, कभी दुआ मिले करिए, तो मतलब पीछे वाली जो महिला थी वो कभी कभी ऐसे ही क्या होता है ऐसे करने पर। तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि वो ये भी कर रही थी, मतलब गांव की महिलाएं तो क्यों वो नहीं कर सकती कि ऐसे ऐसे कर जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे ये भी। तो अभी पहुंच चुके हैं हम चोरे गांव के आसपास, और यहां पर पानी भरा हुआ है भाई चारों तरफ, और पानी में भी लोग बाग नाचते हुए जा रहे हैं, सभी जितने भी श्रद्धालु है बढ़िया आनंद पूर्वक जा रहे हैं सभी। ये भाई ये जोड़ी बहुत तगड़ी है हमारी और आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब चारों तरफ से एकदम पानी भरा हुआ है यहाँ पर। हमारे बाद में तो फिर और भी भयंकर पानी हो गया था, लेकिन अभी इतना पानी नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात चालू थी यहाँ पर भी। बोलिए श्री देवनारायण भगवान की जय। तो पहुंच चुके हैं देव दरबार रोड भैया देव धाम पर, और तो भाई साहब पहुंच चुके हैं देव जी के, पूरी रात बरसात में आए, सब दिन सब सुबह से ही बरसात लगी हुई थी बिल्कुल, और अभी स्नान कर लिया पहुंच के, और अभी दर्शन है के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हो स्नान की जगह है, इधर पूरा ये पुरुषों का पोर्शन है यहाँ पर, और उधर जो देख रहे हो आप उधर ये तब ये लगा हुआ है टेंट, इसके पहली साइड में महिला है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और अभी स्नान कर लिया, दर्शन करेंगे, गला बैठा हुआ है बिल्कुल पानी से, सरद गर्म का आटा सब कुछ। अभी देख सकते हो आप इधर ये मंदिर के पीछे जस्ट तालाब है, यहाँ पर तालाब भी वैसा फुल भर गया बिल्कुल, यहाँ तक पानी आ चुका है। तो अभी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, और भीड़ बहुत है भाई। आ
परिसर में कोई भी किसी प्रकार की कोई वस्तु पाई जाती है तो वो काउंटर पर आकर जमा कराएं। किसी भी भाई को मंदिर परिसर में कोई भी किसी प्रकार की वस्तु पाई जाती है तो रहे कि अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। भाई साहब अब की बार भीड़ बहुत जबरदस्त थी, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ हो रहा है, तो बहुत भीड़ भड़कते में बहुत जगह चेंज भी आई कई जगह, आप देख सकते हो मंदिर को एक बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा है पूरे मंदिर परिसर में, और यात्रियों की जो आस्था है वो बहुत ही गजब की थी, आप देख सकते हो जयकारे के ऊपर जयकारे लग रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर दर्शन किए, आप भी दर्शन कर सकते हो श्री गंगाराम भगवान के, ज़्यादा तो नहीं करा पाएंगे लेकिन जितना हो सका उतना दर्शन कराएं हमने आपको, और भाई हमने अभी भारत के लोग के ही दर्शन किए, ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, रुकने साथ के साथ ही निकाल रहे थे, आप देख सकते हो दंडवत भी आए हैं, दंडवत के लिए अलग से व्यवस्था की गई है दूसरी तरफ से, उनको अलग मार्ग दिया जाता है, और ये जो आप देख सकते हो सवाई भोज है, श्री गंगाराम भगवान के जो पिता थे ये सवाई भोज की मूर्ति लगी हुई है। और दोस्तों ये बहुत ही एक अलग तरीके की यात्रा, आप देख सकते हो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अगरबत्ती है और साथ में झोली है, तो ये अगरबत्ती जलाते हैं और फिर यात्रा करते हैं, तो मतलब इनका ये मानना है कि ये अगरबत्ती को बुझने नहीं देते हैं बिल्कुल, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से और ठेठ देवधाम जोधपुरिया तक अगरबत्ती को बुझने नहीं देते हैं ये लोग, दिन हो या रात हो। और अब आप देख सकते हो यहाँ की मतलब जो यात्रा का बिल्कुल मनमोहक दृश्य रहता है, तो ये 400 झंडे हैं जो एक साथ आते हैं, निवाई से आते हैं ये, और इनकी जो आस्था होती है ना बहुत ही गजब की होती है, जयकारे लगाते हुए भजन गाते हुए नारायण नारायण बहुत ही और अच्छे तरीके से, पुलिस प्रशासन इनके साथ रहता है तो इनको कोई समस्या नहीं होती है। भाई साहब पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ से निवाई तक बिल्कुल, इधर इधर भी ठेठ देव दी दख रहा हूँ, एक एक पैर डग रहे हैं बिल्कुल, और अभी तक हम लाल गेट पे ही फंसे हुए हैं। भाई साहब रात के 2 बज चुके हैं, दिन के 2 बजे आए थे यहीं पर लाल गेट पर, और रात के 2 बज चुके हैं, अभी भी जाम नहीं खुला है बिल्कुल, आर पार ठेठ निवाई वनस्थली से लेके और देवधाम जोधप्रिया तक जाम लगा हुआ है, दोनों साइड लगा हुआ है, एक साइड लगे तो कुछ भी हो।